लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आजकल यहाँ एक बिजनेस बड़ा हॉट चल रहा है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलना चाहिए। इसमें आप आराम से $200 से लेके लोग $500 तक छाप रहे हैं, शायद कुछ इससे भी ज्यादा छाप रहे हैं, पे आप वर्क परमिट लेके अब प्रॉपर जॉब कर सकें। अगर आपको ऐसी जॉब नहीं मिल रही तो 2,800, 3,000, 3,500, 4,000। इस जॉब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट, आई एम योर होस्ट शिराज। मैं पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हैं या नहीं हैं, जॉब्स यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट आप जॉब ढूंढते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो यू आर ऑल गुड। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आजकल यहाँ एक बिजनेस बड़ा हॉट चल रहा है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलना चाहिए, और वो है डर का बिजनेस। डर का बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर आपका दिमाग चलने वाला होना चाहिए। काम भी बहुत आसान है, आप खुद भी उस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। जब यहाँ आप आए और आपने अपना TRC बनवाया तो आपने सारा प्रोसेस देखा होगा यकीनन। अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी गलती की। TRC बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी काम है। TRC टूरिस्टिक TRC तुर्की बांटता है, और इसको प्रोसेस करना बड़ा आसान काम है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं तुर्की में जो आने के बाद TRC एजेंट बन गए हैं। आप भी TRC एजेंट बन जाएं, और इस TRC एजेंट बनने के लिए ना आपको कोई कैपिटल चाहिए, ना आपको कोई प्रॉपर ऑफिस चाहिए। आप कहीं पे भी होटल में, बस स्टॉप पे, किसी भी दुकान में बैठ के अपना ये बिजनेस चला सकते हैं, चलते फिरते चला सकते हैं, रोड पे खड़े होकर चला सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रॉपर ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शुरू में दो चार वीडियो अपने दो चार दोस्तों को पकड़ के आप वीडियो बनाएं और उनके TRC की स्टोरियाँ आप दिखाएं, और उसमें आपने करना यह है कि उनको डराना है। जितना ज़्यादा आप लोगों को डराएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस चमकेगा। आपने लोगों को डराना है कि TRC आप खुद नहीं बना सकते। वैसे ही हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं जिन्होंने ना अपना पासपोर्ट खुद बनवाया होता है, पासपोर्ट बनवाने के लिए भी हम एजेंट को पैसे देते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए हम अपने एजेंट को पैसे देते हैं, राशन कार्ड बनवाने के लिए एजेंट को पैसे देते हैं। अपनी मेहनत से की हुई डिग्रियां उनको अटेस्ट करवाने के लिए पैसे देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए पैसे देते हैं। तो अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को डराएं तो आप बड़ा अच्छा बिजनेस चमका सकते हैं। आप शुरू में दो चार वीडियो अपनी दिखाएं, अपने दोस्त यारों को पकड़ लें, उनकी वीडियो बनाएं, उनकी वीडियो बना के आप दिखाएं कि जी इसकी वीडियो, इसका TRC फंस गया था, मैंने इसका TRC प्रोसेस करवाया, उसका TRC फंस गया था, मैंने उसका TRC प्रोसेस करवाया। दुनिया को बताएं कि जी मैं TRC प्रोसेस करवा रहा हूँ, और TRC बनाना आसान काम नहीं है। आप भी TRC बनाएं, TRC बना के लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज डालें, लोग आपके पास आएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा डायलमा ये है कि हम कोई भी काम खुद नहीं करते, इवन कि हम पढ़ना भी नहीं चाहते। हम ना तो कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ना हम कुछ देखना चाहते हैं। तो हम हमेशा हर काम का ये चाहते हैं कि यार हम अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दें। तो भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक का प्रॉब्लम दूसरे की अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बड़ा अच्छा बिजनेस है कि आप TRC एजेंट बन जाए। यहाँ बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, आके 2-4 महीने के अंदर TRC एजेंट बन गए और खूब जो है वो लोगों की TRC बना के दे रहे हैं। भाई TRC बना के देना तो ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम है, आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं। बहुत आसान काम होता है डॉक्यूमेंट का। आपने सबसे पहले तो एक मकान रेंट पे लेना है, जो कि एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप मकान रेंट पे नहीं है तो आप किसी भी स्टेट एजेंसी के पास चले जाएं, उनके पास बना बना हुआ टेनेंसी एग्रीमेंट का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिल कर लें। वो टेनेंसी एग्रीमेंट के अलावा आपको इंश्योरेंस का पेपर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए।
इंश्योरेंस आप गूगल पे जाएं, जहां आप खड़े हुए हैं वहीं खड़े होके गूगल मैप के अंदर आप सिगोरता लिख के सर्च करें तो आपको 10 शॉप्स नजर आ जाएंगी, 10 ऑफिसेस नजर आ जाएंगे जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो इंश्योरेंस बनाएं। उसके अलावा आपको टेनेंसी एग्रीमेंट नोटर से अटेस्ट करवाना है, उसके लिए आप जहां खड़े हैं वहीं आप नोटर लिख के सर्च करें गूगल मैप के ऊपर, आपको नोटर के ऑफिसेज मिल जाएंगे। आप नोटर के ऑफिस जाके अपने टेनेंसी एग्रीमेंट को अटेस्ट करवा लें, उसके बाद आपको जाके टैक्स ऑफिस में अपनी फीस सबमिट करनी है, जिसके लिए आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टैक्स नंबर भी आपको उसमें से आप खुद ऑनलाइन ले सकते हैं, आप टैक्स नंबर ले लें। जहां तक रहा फॉर्म को फिल करने का मसला, किसी भी गोच इदारे से के ऑफिस में आप चले जाएं, वहां उसके नियर बाय गोच इदारे से आपको ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी शॉप मिल जाएंगी जो फॉर्म फिल करते हैं, आप वहां से फॉर्म फिल करवा लें। हार्डली दे विल टेक अराउंड 50 to 100 लीरा जस्ट टू फिल आउट अ फॉर्म। वो आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका टैक्स नंबर आपको मिल जाएगा, टैक्स नंबर पे आपने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके अपनी फीस सबमिट करनी है, उसके अलावा आपने इंश्योरेंस लेना है। ये गिनती के 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट को आपने अटेस्ट करवा लिया, 3, 4 गिनती के बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। उस बेसिक डॉक्यूमेंट को इतना रॉकेट बना के आप दिखा रहे होते हैं कि जी इतना मुश्किल काम है, और हमारी आवाम भी ऐसी है कि ये काम खुद नहीं करना चाहती, ये चाहती है कि यार हमारे बजाय ये काम कोई और कर दे। जहां आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो अटेस्ट करवाने होते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन भी आपको वहीं, आप कोई भी नोतर लिखें, नोतर के ऑफिस के नियर बाय आपको ट्रांसलेटर भी मिल जाएगा, वहां से आप ट्रांसलेट करवा लें बर्थ सर्टिफिकेट को, वहीं से फिर आप नोटर के ऑफिस ले जाएं, उनसे अटेस्ट करवा लें, उसके बाद आप एम्बेसी ले जाएं, एम्बेसी उसको अटेस्ट कर देगी ओरिजिनल देख के। बड़े आसान प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस लोग खुद नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं कि हमारे बजाय ये प्रोसेस कोई और कर दे। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस है। आप लोगों को डराएं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी अच्छे बंदे से करवाओ, बेहतरीन बंदे से करवाओ, कस्टमाइज सर्विस वाले बंदे से करवाओ जो आपको बेहतरीन तरीके से प्रोसेस करके दे। इसमें आप आराम से $200 से लेके लोग $500 तक छाप रहे हैं, शायद कुछ इससे भी ज्यादा छाप रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस को बखूबी आप कर सकते हैं। ये डर का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप पब्लिक को डराएंगे उतने ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। आप शुरू में 2, 4 बंदों को पकड़ के उनकी वीडियो बना के आप दिखा दें, अपना अपनी मार्केटिंग करें बहुत अच्छे से और पब्लिक को दिखाएं, डेफिनेटली लोग खुद आएंगे आपके पास। इतने आसान प्रोसेस को जब लोग खुद नहीं करना चाहते तो भाई अब कमाओ उनसे, लोग खुद इतने आसान से प्रोसेस को खुद नहीं करना चाहते। तो जब नहीं करना चाहते तो भाई एक की मजबूरी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों को TRC बना बना के दे रहे हैं, TRC लोगों के प्रोसेस करवा रहे हैं। बहुत आसान काम होता है, बहुत इजी काम होता है, लोग खुद नहीं करना चाहते तो आप करके दें लोगों को। बेसिक चीजें हैं, गिनती के डॉक्यूमेंट हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको TRC का फॉर्म चाहिए, आपको उसकी फीस की स्लिप चाहिए, आपको उसकी फीस की स्लिप के लिए टैक्स नंबर चाहिए, आपको पासपोर्ट और वीजे की कॉपी चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपको टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए, उस टेनेंसी एग्रीमेंट को नोटर से रजिस्टर्ड करवाने, दैट्स इट। बच्चों के लिए बस एडिशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जी आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटेस्ट करवाना है एम्बेसी से। तो ये बहुत इजी रिक्वायरमेंट होती है, पहला TRC बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन स्टोरी शुरू होती है पहली TRC के बाद। अब आपको जब TRC मिल जाता है तो उस TRC को आपने नफूस में रजिस्टर करवाना होता है। नफूस की रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि आप टेनेंसी एग्रीमेंट और कोई भी बिल जो आपके नाम पे हो, पानी बिजली गैस इन तीनों में से कोई भी बिल आपके नाम पे हो, वो बिल
और टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी आप नफूस में नहीं लेके जाएंगे, नफूस वाले आपको नफूस में रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर आप नफूस में रजिस्टर नहीं होंगे और आप अपना टीआरसी रिन्यू करवाने जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। टीआरसी रिन्यू करवाने के लिए वो आपसे मांगेंगे कि आपके पास नफूस का पेपर है या नहीं, और अगर आपके पास नफूस का पेपर नहीं है तो आपका टीआरसी रिन्यू नहीं होगा। नफूस के पेपर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, आप यहाँ रहते हैं, और अगर आपके पास यहाँ का नफूस का पेपर नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट लिविंग हेयर। तो भाई या तो लोग डरना छोड़ दें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि वो अपना टीआरसी खुद फिल करें, या फिर ये दूसरों के लिए एक मौका है कि वो इसे डर के बिजनेस से अपने बिजनेस को चमकाएं। अगर यहाँ आपको जॉब नहीं मिल रही प्रॉपरली, जिस पे आप वर्क परमिट लेके अब प्रॉपर जॉब कर सकें, अगर आपको ऐसी जॉब नहीं मिल रही तो 2,800, 3,000, 3,500, 4,000 इस जॉब करने से बेहतर है कि आप टीआरसी एजेंट बन जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।